ज्वालामुखी उपमंडल के जंगर क्षेत्र के मजीन की टिहरी व पलेड़ा के जंगलों में शेर देखने का दावा झूठा साबित हुआ है। मौके पर जांच करने पहुंची वन विभाग व खुंडिया पुलिस की टीम ने ये खुलासा किया। जानकारी के अनुसार गत रात मजीन के पास जंगल में शेर देखने का दावा एक युवक द्वारा पेश किया गया था और घटना के फोटो और वीडियो भी वायरल कर दिए गए थे, जबकि सारा का सारा मामला ही सफेद झूठ साबित हुआ है। दावा पेश करने वाला युवक अद्देदी हट्टी का था। बताया जा रहा है कि गत देर रात युवक अपने दोस्तों के साथ जब मजीन से गाड़ी में वापस आ रहा था तो सड़क पर उसने शेर देखा और उसका फोटो वीडियो भी बनाया। वन विभाग की टीम देर रात ही इस मामले पर अलर्ट हो गई थी, लेकिन सुबह जब उक्त युवक के साथ पूरी विभाग की टीम वहां पहुंची तो मामला पूरा का पूरा झूठा ही साबित हुआ। जिस जगह पर दावा किया जा रहा था कि शेर यहां देखा गया, वहां कोई निशान नहीं था और ना ही वह घटना स्थल था। बताया जा रहा है कि उसके बाद युवक के मोबाइल की जांच की गई तो पता चला कि वीडियो व फोटो राजस्थान के थे। सारी जांच पड़ताल के बाद युवक ने कबूल किया कि उसने शेर नहीं देखा। उधर ग्राम पंचायत सिलाकड़ के प्रधान ने लोगों को अफवाहों से बचने को कहा है। सोशल मीडिया में फैलाई जा रही खबर को भी झूठा बताया है। वहीं वन विभाग रेंज ऑफिसर कृष्ण धनोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे शेर हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते। ये वीडियो फोटो और खबर झूठी साबित हुई है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए लोग अफवाहों से बचें। लेकिन युवक को कई बार कहा गया कि ये बात झूठ है, लेकिन वह दावा पेश करता रहा। वन विभाग की टीम ने देर रात से पूरे वन क्षेत्र को खंगाल लिया पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। बाद में मौके पर पहुंचकर मामला कोरा झूठा ही साबित हुआ। वहीं ज्वालामुखी के रेंज ऑफिसर शशि ने बताया कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। तो ये है कि यहाँ पर ये शेर पाए नहीं जाते हैं। ये जो प्रजाति है ये प्लेन एरिया की है, क्योंकि इसका ये जोन नहीं है, ये इस जोन का नहीं है। इसको रात को भी हमने समझाया था कि लड़के ये झूठ बोल रहे थे और ये शेर यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ तेंदुआ, चीता हो सकता है, परंतु ये चीजें नहीं हो सकती है। बिल्ली हो सकती है जिसको जंगली बिल्ली बोलते हैं, परंतु ये चीजें नहीं होती हैं। परंतु इस बच्चे ने बार बार यही कहा कि जी ये मैंने देखा, मेरे साथ दो लड़के और थे, एक बामन नाम का लड़का था और मैं था, गाड़ी में थे और हमारे सामने आ गए ये। मैंने इसको उस दो बार समझाया कि बच्चे ऐसे नहीं बोलते, झूठ झूठ है ये सारी अफवाह, क्योंकि मुझे ये फेक लग रहा है। परंतु इसने इतना दावा किया कि ये सच्ची ही बोल रहा कि मैंने यही किया, यहीं पर है। इसने मुझे बताया टीरी से आगे एक जगह बताई, पेड़ला में मुझे मिला जी वो ये। उसके बाद हमने रात को ही 11 बजे से लेकर उसकी पूरी सर्च की, पूरे रकबे की, और 12 से लेकर ट्राले में, जीप ट्राला में लेकर पूरी जगह देखी। कहीं भी ऐसा जो उसने स्पॉट बताया था, जो स्पॉट ये बता रहा था, वो कहीं नहीं मिला रात 12 बजे। उसके बाद फिर हमारे वन मंडल अधिकारी जी ने जितने भी जू हैं यहाँ के, जूओं में फ़ोन करके बताया कि फ़ोन किए कि आप मुझे ये बताओ कि आपकी कहीं जो देर होते हैं वो बाग तो नहीं गए, निकले तो नहीं है। फिर इसको दोबारा हमने फ़ोन भी किए कि बच्चे तो झूठ बोल रहा, अभी बता दे। तो मैं पूरी रात में गुमराह करता रहा। तो जो हमारे मनखंड अधिकारी जी और वन रक्षक जी आ रहे हैं साथ ही है मेरे, हम सभी इसके विरुद्ध जो FIR दर्ज करवा रहे हैं जी। पूरे यहाँ 15-20 किलोमीटर में दहशत का माहौल फैल गया है, हर बंदा डरा हुआ है। मीडिया के जो अखबार पढ़कर, सुबह की अखबार पढ़कर सभी डरे हुए हैं। प्रधान हाल ग्राम पंचायत, मैं इलाका वासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि जो अफवाह फैलाई गई है कि यहाँ शेर देखा गया है, वो सारा झूठ है। कि जो अखबार में, दैनिक जागरण में खबर छपी है, वो बिल्कुल निराधार है। इस इलाके में कहीं भी ऐसा जो जानवर, शेर जो ऐसा जीव जंतु जो है, कभी नहीं देखा गया है। और यहाँ पर जो जानवर होते हैं वो तेंदुआ होता है, वन बिल्ली होती है, जैसे गिद्ध होता है, ये जानवर पाए जाते हैं। लेकिन शेर का यहाँ होना, जो
अखबार में छपा है ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस इलाके में कोई भी ऐसा जानवर नहीं रहता है और मैं सारे इलाका वासियों को इसके बारे में आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे झूठे जो सोशल मीडिया पर किसी ने डाला है और अखबार में भी वैसे ही छाप दिया है बिल्कुल गलत है और किसी ऐसे कोई डर नहीं है, किसी कोई जानवर यहाँ पर ऐसा नहीं है।